जय श्री राम। ये है टाइमेक्स की एक्सपीडिशन वॉच। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये डाउन पे डिस्प्रोपोर्शन आ रहा है, तो हम इसकी करेंगे अभी टाइम कॉन्फ़िगरेशन। टाइम कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे चार बटन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। ए यानी इंडिग्लो बटन है, मोड बी मोड है, सी में अलार्म लिखा आ रहा है और डी में सेट। हमने मोड बटन को प्रेस करना है और जो आपको मोड में शिफ्ट होना है, जैसे अलार्म है, इसके बाद 24 आवर सेटिंग है, इसके बाद है लैब सिस्टम यानी स्टॉप वॉच, इसके बाद है टाइम टू, एंड देन आता है मेन टाइम सेटिंग। तो अब हमें इसको चेंज करना है, तो मोड ये जो लास्ट बटन है सेट बटन, इसको 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है, जिससे आपको ये सेकंड ब्लिंक होते दिखाई दे रहे हैं। अब मोड बटन का सहारा लेंगे तो आवर्स में शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे तो मेरे करंट आवर बिल्कुल परफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन मैं यहाँ से यानी सी बटन के माध्यम से मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। और यहाँ पर ए एम पी एम लिखा आ रहा है, ये देखिए ऊपर की पोर्शन पर पी एम आ रहा है, पी लिखा आ रहा है, ये देखिए। और मैं इवनिंग के 11 करने हैं या मॉर्निंग के 11 करने हैं, तो यहाँ से हम इसे सेट कर सकते हैं। तो मैं इसे मॉर्निंग के 11 सेट कर देता हूँ, कर दिया। देन अब अगले पॉइंट पे जाना है, तो मोड बटन को फिर से प्रेस करूँगा। यहाँ पे आपको मिनट्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो ब्लिंक होता दिखाई दे रहा है। अब मेरे करंट मिनट जो हैं 24 हैं, तो मैं यहाँ पे 24 करना है, तो यहाँ पे 1 की जगह पे मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ से 2 होगा। अगेन इसको प्रेस करूँगा, तो ये मिनट्स के सेकेंड पोर्शन पर चला गया। यहाँ पर मैं इसको 4 कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको 4 कर दिया। अब मुझे अगले पोर्शन पे जाना है, फिर से मैं मोड बटन को प्रेस करूँगा। ईयर्स दिखा रहा है, तो मेरा जो करंट ईयर्स है 24 है, मैं यहाँ पे 24 कर देता हूँ। ये जो सी बटन है यानी अलार्म बटन है, इस बटन से आपने मॉडिफिकेशन करनी है, और जो ये मोड बटन है, इस मोड बटन से आपने अगले पॉइंट्स पे शिफ्टिंग करनी है। अब मंथ आ रहा है, मंथ मेरा 7th है, मैं 7th कर देता हूँ। अब मैं मोड बटन को फिर से प्रेस करूँगा, डेट आ रही है, आज के 24th है। ये सेटिंग डन हो गई। देन फिर से मोड बटन को प्रेस करूँगा, डेट आ रही है मंडे है, सॉरी डे आ रहा है मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, डब्ल्यू वेडनेसडे का साइन होता है, वेडनेसडे कर दिया। अब यहाँ पे 24 आवर्स करना है, तो यहाँ से आप 24 आवर कर सकते हैं। अगर 12 आवर्स की सेटिंग रखनी है तो 12 आवर्स। ये सब सेटिंग डन होगी, देन ये जो लास्ट बटन डी बटन है, सेट बटन के माध्यम से हम बाहर आ जाएंगे। ये इसका टाइम हो गया 11:25, परफेक्ट टाइम है। और ये इसका टाइम कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस है। अगर किसी तरह की आपको इसमें कोई क्यूरीज कोई हो या कोई आपको रिक्वायरमेंट हो, तो आप कमेंट के माध्यम से जान सकते हैं। अगर आपने अलार्म चेंज करना है, तो यहाँ से अलार्म मोड में जाके देन इसी बटन के माध्यम से यानी कि डी बटन के माध्यम से आपने पोर्शन को ब्लिंक करना है, देन शिफ्टिंग करना है। जो भी अलार्म आपने सेट करना है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, बड़ा इजी है। सब सेटिंग डन होने के बाद इधर से बाहर आ जाएंगे, लॉक हो गया, देन अगले स्टेप पे शिफ्ट हो जाएंगे। अलार्म के बाद इसके बाद है ये टाइमर सिस्टम है। टाइमर अगर आपने रन आउट करना है, तो वो भी आपने इन दो बटन के माध्यम से करना है। इसके बाद है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच के लिए ये देखिए लैब सिस्टम करना है, दूसरा करना है, यहाँ से आपने इसे स्टॉप वॉच को रन आउट कर देना है। यहीं से आपको स्टॉप होता दिखाई देगा, इस बटन के माध्यम से रीसेट हो जाएगा। देन इसके बाद आता है टाइम टू। अगर टाइम टू भी आपको करना है, तो यहाँ पे आप टाइम टू इसी बटन के माध्यम से और जैसे टाइम वन को सेट किया था, वैसे इसमें इसे सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत एंड वंदे मातरम।